आईएमए के मेंबर हॉस्पिटल एडवाइजरी कमेटी और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण जैन ने बताया कि विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पोलियो जैसी बीमारी के विषय में लोगों को जागरूक करना है। जो पोलियो है उसका उन्मूलन करना है। अभी तक सिर्फ एक ही बीमारी है ऐसी है, वो जड़ से कटी है। अब ये सेकेंड नंबर है, जो 99.9% पोलियो विश्व से जा चुका है और इसलिए पूरा दुनिया इसमें लगी हुई है कि पोलियो भी दूसरी बीमारी बन जाए जो जड़ से समाप्त हो जाए। लेकिन जो 0.1% है जो अभी रह गया है पूरे विश्व में, उसको हमें जड़ से मिटाना है। तो इसलिए ये पूरे विश्व में वर्ल्ड पोलियो दिवस को मनाया जाता है, ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि अभी पोलियो बीमारी रह गई है। इसलिए समय समय पर जो भी लोग आते हैं, सरकारी अफसर आते हैं या जो हेल्थ वर्कर्स आते हैं आपके घर पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए, कृपया करके उनको मना ना करें। आईएमए के मेंबर हॉस्पिटल एडवाइजरी कमेटी और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण जैन ने बताया कि पोलियो एक संक्रामक बीमारी है जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इस बीमारी का शिकार अधिकांशतः बच्चे होते हैं। पोलियो को पोलियोमाइलाइटिस यह शिशु अंगघात भी कहा जाता है। यह ऐसी बीमारी है जिससे कई राष्ट्र बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, क्योंकि अगर एक भी चेन टूट गई तो ये पूरी चेन जो है विश्व में जो चल रही है वो खत्म हो जाएगी। और इसके सबसे ज़्यादा केसेस साउथ ईस्ट एशिया यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी बेल्ट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए मेरी लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि हमारे को अगर पोलियो जड़ से समाप्त करना है तो कृपया करके जागरूक होइए और बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाइएगा और साथ में दो और जो टीके हैं उनको अभी जरूर लगवाइएगा अपने डॉक्टर से सलाह करके। हालांकि विश्व के अधिकतर देशों से पोलियो का खात्मा हो चुका है, लेकिन अभी भी विश्व के कई देशों से यह बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।